जो बाहर से आते हैं अक्सर वही डूबते हैं। तो भैया क्या सच्चाई है जो बाहर से लोग आते हैं? सच्चाई तो ये है, जब तैरना नहीं आता तो कूदना ही बेकार है इसमें, जब पता नहीं तो नॉलेज नहीं है तो ना कूदना ही बेकार है इसमें। गाँव के हमारे हैं गाँव के बच्चे बच्चों को बता के कितना गहरा है, किस तरह इसमें खाना है, ठीक है नहीं, जो भी डूबेगा बाहर का डूबेगा, बस इतना हम पता। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौगावा सदात की नहर में, और ये राम पुष्कर नहर है और जो काफ़ी तेज गति से चलती है। इस नदी में गर्मी के मौसम में लोग नहाने के लिए आते हैं, हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने चेतावनी दी गई है कि यहाँ पर नहीं नहाएं और ये जगह नहाने की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर नहाते हैं। और ये जो आप पेड़ी देख रहे हैं, इस पेड़ी से कूद कूद के लोग यहाँ पर नहाते हैं। हालांकि प्रशासन ने ये कहा गया है कि ये जगह नहाने की नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ था, और वो हादसा अमरोहा शहर के लड़के, चार लड़के, जिसका नाम उनमें से एक साहिल बताया जा रहा था, और इसी जगह वो नहा रहा था और उसकी इस पानी में, इस नहर में डूब कर मौत हो गई है। तो इसी तरह से यहाँ पर हर साल जो है लोगों का लगातार जो है डूबते रहते हैं, हर साल ये हादसा यहाँ पर इस नदी में होता रहता है। आप ये देख सकते हो, ये कम से कम 20 फुट गहरी नदी है और लोग इसमें हर साल डूबते रहते हैं। आज की जनरेशन से यही कहना है कि यहाँ पर अगर आए तो खाली दूर से देखें और इसमें कूद कूद कर नहीं नहाएं। अपनी जान हथेली पर लेकर लोग इसमें नहाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हम अगर डूब जाएंगे तो हमारा क्या होगा और हमारे घर वालों का क्या होगा। आप ये देख सकते हो यहाँ पर हर साल, हालांकि सब लोगों को पता रहता है कि यहाँ पर अक्सर मौत होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर नहाने से परहेज नहीं करते हैं। थोड़ा सा इस नहर का दृश्य मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि किस तरह से और कितनी तेज गति से इसका पानी चलता है। फिलहाल ये पानी इसलिए भी सूखा है क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक साहिल नाम का लड़का जो इस नहर में डूब गया था, और उसको निकालने के लिए रेस्क्यू टीम 11 दिन की मुशक्कत के बाद वो उसकी डेड बॉडी यहाँ से मिल पाई थी, तो इसलिए भी शायद ये पानी बंद कर दिया गया है। तो मैं थोड़ा सा और आगे चल के दिखाऊंगा कि किस तरह से ये नहर जो है राम पुष्कर नदी, और किस तरह से लोग यहाँ से कूद के नहाते हैं। वो जो आप पुल देख रहे हैं ना, उसमें से कूद कूद के लोग नहाते हैं। और ये पत्थर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हो, जब आदमी वहाँ से नहाता हुआ आता है तो इससे भी टकरा कर वो जो है बेहोश भी हो सकता है। वो बड़े बड़े पत्थर इस नदी में, इस नहर में रहते हैं। दोस्तों प्रशासन की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है, ये देख सकते हो, चेतावनी, नहर में स्नान करना सख्त मना है। आज्ञा से अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड मुरादाबाद। आप ये देख सकते हो इस चेतावनी को भी लोग इग्नोर करके और इसमें जो है कूद कूद कर यहाँ से नहाते हैं। दोस्तों हम जो ये नहर के बीच में जो एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, आप जो है आप आते हैं, अगर घूमने के इरादे से आते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन आप नहाने के लिए आए तो बिल्कुल जो है चेतावनी दी गई है कि ये जगह नहाने के लिए नहीं है, सख्त मना कर दिया गया। आप यहाँ से इस नहर का नज़ारा कर सकते हैं, लेकिन ये जगह नहाने के लिए नहीं है। आप ये देख सकते हो, ये जो दीवार बड़ी बड़ी हैं, और लोग वहाँ से भी कूद के और यहाँ पर ऐसे बह के आ जाते हैं। आप ये जो दीवार की ठोकर आप देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसा होता है जैसे पानी का बहाव तेज होने के कारण इस दीवार से भी टकरा जाते हैं और अपना होश खो बैठते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। कितना भी बड़ा अगर तिरैया होता है, कितना भी बड़ा अगर गोतेखोर होता है, पानी के तेज बहाव से अगर इस दीवार पर टकरा जाता है तो वो अपनी जान गंवा बैठता है। दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये जो वाल है ना, और ये वाल के नीचे इधर भी खाई है और इधर भी नहर है, तो बहुत सारी इसमें जो है ज़रूरत है काम करने की, जो ये रास्ते जो हैं बंद किए जाएं ताकि जो है लोगों की सेफ्टी बढ़ती जाए। तो मैं इस वक्त जो है नौगावा सदात राम पुष्कर नदी पे मौजूद है, जहाँ पर साहिल नामक एक लड़का जो है इससे दूसरे या तीसरे दिन
यहाँ पर डूबा था और उसकी जो है लाश तकरीबन 11 दिन के बाद मिली थी, वो यही नदी थी। और जब ये चलती है तो पूरे अपने उरूज पे चलती है और ये तक इसके ढक जाते हैं, इतनी तेज चलती है। और इसी बहाव से अक्सर लोग जो है हर साल यहाँ पर डूब जाते हैं। तो मैं उधर साइड में जाकर इस वक्त में जो है पुल ये देख सकते हो, ये नहर की वाल है और ये बराबर में एक नदी भी चलती है और इसको पक्की नहर होती है उसको नहर बोलते हैं और जो कच्ची होती है उसको नदी बोलते हैं। इस वक्त मैं जो है नहर के बिल्कुल बीच में हूँ और ये देख सकते हो अभी भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और ये नहर है नोगामा सदात के कलामपुर गांव में, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और इस नज़ारे को देखने के लिए लोग आसपास के ज़िलों से यहाँ पर आते हैं। लेकिन हर साल गर्मी बढ़ते ही लोग नहाने की लिए यहाँ पर आने लगते हैं, जो बिल्कुल ही गलत उनका निर्णय होता है। प्रशासन ने यहाँ पर चेतावनी भी दी गई है कि ये जगह नहाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको चेतावनी को नज़रअंदाज करके इस नहर में नहाते हैं और अपनी जान गवा बैठते हैं। तो आप ये देख सकते हो कितना ऊंचा ये नहर है और हम जो है अभी और गहराई उसकी वहाँ पर पता चलेगी। अभी भी थोड़ा सा पानी यहाँ पर है और लोग जो है अपनी मछली पकड़ते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों जैसे भी नदी में पानी कम होता है तो जो है गांव के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग जो है मछली पकड़ने के लिए आ जाते हैं। और इस नहर के बारे में और जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम इनसे भैया से पूछेंगे। इन्होंने बताया कि ये जो बाहर से आते हैं अक्सर वही डूबते हैं। तो भैया क्या सच्चाई है जो बाहर से लोग आते हैं? सच्चाई तो यही है, जब तैरना आता तो कूदना ही बेकार है इसमें, जब पता नहीं तो नॉलेज नहीं है तो उन्हें कूदना ही बेकार है इसमें। गांव के हमारे हैं गांव के बच्चे बच्चों को बता के कितना गहरा है, किस तरह इसमें नहाना है, ठीक है? नहीं जो भी डूबेगा बाहर का डूबेगा, बस इतना हम पता। आपसे पूरा तैरना आता है? मैं तो कहीं से भी कूद जाऊँगी इसमें। तो अक्सर लोग जो बाहर से आके डूब जाते हैं, बाहर का डूबेगा भैया, जो भी डूबेगा यहाँ यहाँ पे जो क्षेत्र के हैं गाँव के हैं आसपास के वो नहीं डूबते अभी तक? बिल्कुल नहीं। अच्छा ऐसा हुआ कि कोई गांव का डूब गया था? नहीं आज तक नहीं डूबा हमारे सामने। तो दोस्तों अक्सर जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं ये नहर की काफ़ी अच्छी खूबसूरती को देखने के लिए भी आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इसमें नहाने के लिए आते हैं। भैया ने बताया कि उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि हमने कहाँ से नहाना है और किस तरह से नहाना है। अगर आपने आपको तैरना आए तो तभी जो है कहीं पर भी नहाना चाहिए, आपको अगर तैरना नहीं आए तो नहीं नहाना चाहिए, पानी में जाना ही नहीं चाहिए, उतरना ही नहीं चाहिए, ऐसा कहना भैया। तो जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं उन्हीं से हम ये अनुरोध करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज़ गर्मी के मौसम में आएँ तो सिर्फ यहाँ का नज़ारा लेने ही आए, नहाने के लिए यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि ये जितनी तेज़ गति से चलती है काफ़ी नुकसान इन लोगों को पहुँचाती है। हर साल यहाँ पर काफ़ी जो है मौतें हो जाती हैं, अक्सर लोग कूद कूद के नहाते हैं और अपनी जान गवा बैठते हैं। दोस्तों आप देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा, मेरा नाम इमरान मलिक, फिर मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।